बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। रिंग रोड के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस मेरी आपने देखी होंगी। तो आज जो है मैं जीटी रोड की तरफ आया हूँ। यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बांट, यहाँ से इसकी आज तक यहाँ शरीफ का एरिया आपको दिखाना है। इस साइड पर वर्किंग हो रही है। आगे जा रहा था तो बांट के एरिए में रात को क्रॉस कर रहे हैं, पर यहाँ खाना चल रहा है। और ये मल्हाराज गांज साथ में जा रहे हैं जीटी रोड के साथ। तो ये आप देख सकते हैं ब्रेक लगा हुआ है। 100 मीटर आगे जो है इसकी जो कंस्ट्रक्शन साइट है, उधर हम चलते हैं। ये साइड पे जो आपको घर नजर आ रहा है मल्हाराज गांव है। तो साथ में आगे मस्जिद भी है, इसी से आगे जो काम थोड़ा सा चल के देखते हैं लगा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं आगे, फिर देर आगे चल के देखते हैं शुरू है काम को। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी बांट के एरिए में। इस साइड पर जो है ये आपको डॉग सिंबल नज़र आ रही है, ये मशीनरी भी खड़ी है। तो ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं, इनकी काफ़ी सारी हवेलियाँ भी बीच में आ गई हैं, क्योंकि ये इधर इंटरचेंज होगा इसका बांट इंटरचेंज। और इधर मल्हाराज गांव है और ये सामने जो है बांट का गांव है। बांट जो गांव है ये सामने नज़र आ रहा है आपको। और इस जगह पे भी सामने कुछ घर थे, वो भी बीच में आए हैं, वो आपको इंशाल्लाह डिटेल देता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं निशान आपको दिखा देता हूँ रोड डिस्टेंस का जो लगा हुआ है R1, यहाँ से इसने शुरू होना है। और वो आगे एक बोर्ड लगा है, वो भी करीब से चल के देखते हैं वहाँ पर क्या कोई लिखा हुआ है इसके ऊपर। डिटेल जो है सुनाते हैं आपको पढ़ के। बाकी ये जो मशीनरी है इसके करीब से भी चल के दिखाते हैं, जिधर निशान लगे हैं मकान जो बीच में आए हैं तो उनकी डेमोलेशन होनी है। इसके ऊपर भी ये डिटेल सारी लिखी हुई है रिंग रोड मनसूबे की, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और FWO ने इसी बेस वर्किंग करनी है और DA जो है इसने जो सारा ठेका जो है FWO को कोई दिया है, प्लाट हुआ है। और ये घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी कोई कॉलोनी है, पता नहीं अब इसका नाम मुझे सही जहन में नहीं है। यहाँ पर डेमोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं हम शिंदरी की तरफ। यहाँ काफ़ी सारी वर्किंग हो चुकी है, लेट ज़रा लग चुके हैं। ये निशान ही लगना होता है कि इस जगह पे जो है इंटरचेंज होना है। बाकी सोयल टेस्टिंग मशीन या बाकी कोई काम फिलहाल शुरू नहीं हुआ, निशान जो लगे ये आपको दिखा देते हैं। और ये निशान जो आपको नज़र आ रहा है इस जगह तक जो है दीवार भी जाएगी इस घर की। घर तो फ़िलहाल बच गया है, मतलब यहाँ तक जो है डेमोलेशन होनी है, ये निशान लगा हुआ है। अभी चलते हैं आगे रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ। और इस साइड पे भी एक निशान लगा है, मैंने देखा नहीं है, अभी दिखा देता हूँ। और ये फैक्ट्री भी मुकम्मल तौर पर बीच में आ गई है, इसको भी जो है ये शिफ्ट करेंगे किसी और जगह। इसकी दीवार तो थोड़ी सी एक गिराई है इन्होंने, ये भी आप देख सकते हैं। डेमोलेशन स्टार्ट हुई है। और ये दरख्त आप देख सकते हैं, ये भी मुकम्मल तौर पे बीच में है और सामने भी डेमोलेशन हुई है। और ये लाइट पोल भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे। इस साइड पर ये घर जो नज़र आ रही है ये भी थोड़े बहुत इसमें आए हैं, इन्होंने भी अब शिफ्ट होना है किसी दूसरी जगह पर, इनकी भी डेमोलेशन शुरू हो जाएगी। और आगे मशीनरी लगी हुई है, वो दिखाते हैं चल के आपको। आगे जो है कल्याम का एरिया शुरू हो रहा है, बांट गांव के से ही हम गुजर रहे हैं। ये बरफाना चौक का एरिया है। ये रोड जो है GT रोड की तरफ से आ रही है, सीधी कल्याम की तरफ से आ रही है। और ये सामने भी आप देख सकते हैं इन मार्केटों को भी जो है आहिस्ता आहिस्ता से ट्रांसपोर्ट का काम जारी है। और ये निशान जो लगे हैं ये मिड पॉइंट है रोड का। और ये निशान आप देख सकते हैं ये जो लगा है मैन GT रोड से यहाँ तक जो है 700 मीटर का एरिया बनता है। मिड पॉइंट जो रोड का है दोनों साइडों पे 150-150 फुट तक जगह क्लियर हुई है। और अभी मैं रेलवे ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है रिंग रोड का ब्रिज बनेगा रेलवे लाइन के ऊपर, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है। और ये जो मशीनरी लगी हुई है डोक चंबा के एरिया में लगी है, कल्याम शरीफ का एरिया है। और ये डोक शेह है, शेहा की डोक इसे बोला जाता है। और ये रास्ता आगे जगियाँ की तरफ जा रहा है। ये सारी हमवार ज़मीनें थी और आगे जो एरिया शुरू हो रहा है ये मतलब ना बंजर ज़मीनें। और ये टोक जगिया का एरिया ही है, ऊपर भी आप देख सकते हैं दरख्त वगैरह लोग अपने काट रहे हैं, एक्सकेवेशन का काम शुरू हुआ है इस साइड पे। बाकी फ़िलहाल इस साइड पे मशीनरी नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। इस सारी जगह पे जो है फिलिंग होनी है, अर्थ वर्क पे काफ़ी टाइम इस जगह पे लग जाएगा। ये तकरीबन ट्रैक बन जाता है कोई 1.5 से 2 किलोमीटर का। यहाँ तक जो है ये कवर हो गया था। मैंने जो आपको ऊपर डोक शेखा दिखाई है वो तकरीबन कवर ही है, हमवार ज़मीनें थी। बाकी यहाँ पर जो है ये फिलिंग होनी है, ये ऊपर जो आपको ज़मीनें नज़र आ रही हैं ये भी हमवार ज़मीनें हैं। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी वो इसी साइड से बनाई थी, थोड़ा सी आगे वो जगह वो भी आपको दिखाते हैं चल के कि क्या आगे उधर पोजीशन है। ये सामने तो मुकम्मल जो है वो जंगल है और यहाँ पर जो है ये कटिंग हुई है। यहाँ से ये रास्ता जो है जा रहा है शिंदरी के लिए बना हुआ है, शायद यहाँ से हम जाते हैं आगे। तो ये जो है टोक जगियां का कब्रिस्तान है। ये आगे जो है कब्रें तो उस साइड पे हैं। ये दीवार जो है यहाँ तक आगे तक आई हुई थी, ये निशान सामने लगा हुआ है यहाँ तक, ये इसकी जो है ना आगे डेमोलेशन हुई है। बाकी ये जगह काफ़ी जो है कवर हुई है, अभी इसके ऊपर रोड रोलर्स चलना बाकी है, अर्थ वर्किंग रहती है। इस साइड पे जो है ये कल्याम शरीफ का एरिया है सारा, कल्याम शरीफ दरबार। अभी यहाँ पर कोई ख़ास जो मैं ना मिल नहीं रहे कोई कंफर्म हो आगे गांव के नाम क्या हैं, क्योंकि इधर नेट की सर्विस भी नहीं है तो कोई सही जो है पता नहीं चल रहा। तो चलते हैं इधर से आगे, आगे का एरिया आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर भी कटिंग जारी है, काफ़ी सारी जो ये जगह आगे आप देख सकते हैं काफ़ी गहराई में। इधर से ही हमने आगे निकलना है, इस गांव का भी नाम हमें कंफर्म नहीं है। और ये जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है ये पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ये वाला एरिया। तो ये क्रॉस करके हम सीधे आगे निकलते हैं। यहाँ पर भी जो है दरख्त वगैरह सारे ख़त्म हो चुके हैं और ये पिछली जो ज़मीन है तकरीबन ये लेवल थी, बीच में एक जगह आई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। और ये साइड्स पे भी अभी कटिंग जा रही है, यहाँ से जो है मट्टी उठा के इस साइड पे जाली जाएगी, फिलिंग होगी। और ये भी आप देख सकते हैं मशीनरी काफ़ी ज़्यादा इधर खड़ी है। बाकी ये देख सकते हैं रोड रोलिंग साथ साथ ये करें अर्थ फिलिंग के साथ है, ताकि जब बाद में मसला हो जाता है रोड बैठने का वो ना हो। अच्छी तरह से इसको मतलब ना प्लान करके फिर जो है ये ऊपर लेवल करेंगे इसको। और ये एक्सवेटर्स आप देख सकते हैं इस साइड पे लगे हुए, ये सारी ढलान जो है ख़त्म हो रही हैं, यहाँ से जो मट्टी उतारी जा रही है सारी, साथ साथ दरख्त जो है वो भी काट रहे हैं। इस साइड पर भी एक्सवेटर लगे हैं, इधर से जो हम आगे की तरफ जाएंगे। अभी ये सारा आप समझ लें कल्याम शरीफ का एरिया है। इस साइड पे भी ये देख सकते हैं आप एक्सपेशन जा रही है, टेम्पर्स जा रहे हैं साथ साथ आगे, आज फीलिंग हो रही है। और ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर बच्चे जो है क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मोड़ा मीर बख्श और कुतुफ रिजाल का एरिया है कल्याम शरीफ। और साथ में ये जो सामने आपको गांव नज़र आ रहा है लोसर गांव है, ये सारा आगे लोसर का एरिया शुरू हो जाएगा साली रोड से, जो साली रोड के मतलब बिल्कुल साथ साथ ही है। अभी चलते हैं हम उस साइड पे। इस साइड पे भी काफ़ी सारी फीलिंग होना बाकी है, अर्थ वर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। कुछ जगहों पे मशीनरी लगी हुई है, कुछ जगहों पे रुकी हुई है, क्योंकि अब रालिंग वगैरह होती है इस वजह से वो फिर ना उन्होंने अपना मशीनरी को रन करते हैं उसके बाद ही। बाकी चलते हैं आगे। फिर फूल जो आपको नज़र आ रहे हैं मैन ST लाइन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ये भी जो है ट्रांसफ़र होंगी जो बीच में आ रहे हैं पोल, इनके आगे जो है ना उस पर भी आ रहे थे। चकबेली रोड के एरिया में भी वो भी दूसरी साइड पे शिफ्टिंग होगी उनकी। इस साइड पे जो है काम फ़िलहाल कोई ख़ास हुआ नहीं है इसलिए मैं इधर नहीं जा रहा, तो वीडियो जो इधर ही क्लोज करेंगे आज की। आगे को खास वर्किंग नहीं हुई इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। तो यहाँ पर कटिंग वगैरह आप देख सकते हैं क्लियर हो चुकी है, अर्थ फिलिंग जारी है, साथ में ये वाटर का जो है वो स्प्रे हो रहा है, बाउजर लगा हुआ है, रोड रोलर खड़ा है, मशीनरी जो है उस साइड पे आगे यहाँ से निकल के मिसाली रोड के बिल्कुल साथ साथ ही है। लोसर रोड जो आगे आती है वो सामने खड़ी है। मशीनरी में थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ लेकिन कोई जूमिंग सही नहीं इधर से हो रही। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आगे को खास वर्किंग नहीं हुई। अब जो थोड़े टाइम बाद ये चक्कर लगेगा, 3-4 दिन बाद लगाएंगे आगे जो है चकबेली रोड और अटियाला रोड की तरफ, उधर वर्किंग देखेंगे कितनी हुई है, वो भी अपडेट आपको इंशाल्लाह देंगे। तो आगे जो मैं इंशाल्लाह वीडियो एक लगाऊँगा जो आपको ना इंटरचेंज टू इंटरचेंज डिस्टेंस होगा, उसमें रवात से टोटल जो आगे ठलियाँ तक 3-4 इंटरचेंज जो इसके आ रहे हैं, 3 मिड में मतलब एक रवात है, फिर आगे चकबेली रोड है, अटियाला है, चक्री है और फिर बांट है। इन सब का जो डिस्टेंस बनता है उनकी डिटेल भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी वीडियो आप लाजमी देखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।